डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकंड ईयर का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्क, यानी फर्स्ट बी वर्क की स्टीरियो रसायन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इनके सभी जो टॉपिक थे उनको विस्तार से स्टडी की थी। वर्गवार स्टडी का अध्ययन हमने फर्स्ट फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी एवं एट्थ वर्ग को डिटेल से स्टडी की है, और उसमें भी जो एट्थ ग्रुप था उसमें तीन समूह में बांटा हुआ था, आयरन ग्रुप, कोबाल्ट और निकल। फर्स्ट बी वर्ग, इस वर्ग में कॉपर एजी व एयू तक आते हैं, यानी कॉइन जो आप कॉइन ग्रुप कहते हो उसको आप, कि भाई इसके सारे कॉपर एजी और एयू के क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, इसलिए कॉइन। इनमें समन्वय में संख्या छह से अधिक संख्या वाले यौगिक बहुत कम मिलते हैं, यानी उनकी अपन स्टडी करेंगे तो बहुत कम है ऐसे जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या क्या हो, सिक्स हो। इस वर्ग के तीनों तत्व समन्वय संख्या दो यानी टू में रेखीय यौगिक बनाते हैं। इनकी जो भी समन्वय संख्या टू होगी उसमें क्या बनाएंगे, रेखीय यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा कॉपर व सिल्वर समन्वय संख्या छह में सिक्स में कुछ महत्वपूर्ण अष्टपलकीय संकुल आयन भी बनाते हैं। इनका हम इस टेबल, जो टेबल दिखाई दे रही है इसके में समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट बी वर्ग समन्वय, इधर ये समन्वय संख्या स्टीरियो रसायन और कॉपर और एजी और एयू इनके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, टू हो, कोऑर्डिनेशन नंबर टू, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो स्टील रसायन है वो एक रेखीय लीनियर होती है। और इसका एग्जांपल कॉपर का सबसे सिंपल एग्जांपल CuCl2 का होल माइनस आयन, ये प्रदर्शित करता है। उसके अलावा Ag और Au में AgCn का होल ट्वाइस होल माइनस आयन आपके सिल्वर का ये कॉम्प्लेक्स बनाता है साइनाइड का। इधर एयू का जो गोल्ड है इसका भी साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है, एयू सी एन का होल ट्वाइस माइनस आयन। इसी तरह जिनकी समन्वय संख्या थ्री है वो उनकी संरचना कैसी होती है, त्रिभुज समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुज समतलीय संरचना का एग्जांपल कॉपर में सीयू सी एन का होल थ्राइस टू माइनस आयन बनाता है, जबकि एजी और एयू के कॉम्प्लेक्स स्टेबल जो हैं वो ज्ञात नहीं है, जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो सिर्फ इसमें एक आप क्या देखोगे, कॉपर के ही बनाएंगे जो त्रिभुजीय समतलीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर का एग्जांपल आप देखेंगे तो दो तरह की संरचनाएं बनाते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो। एक तो क्या बनाते हैं, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल, और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। तो पहला जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चार है वो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय का एग्जांपल CuPy का होल फोर प्लस आयन, एक ये एग्जांपल है कॉपर का, पिरिडियम के साथ बना रहा है और धनात्मक चार्ज लग रहा है इस पे कॉम्प्लेक्स पे। और दूसरा आप एजी और एयू की बात करते हैं तो वहां पर एजी बनाता है एजी DiArs का होल ट्वाइस प्लस आयन, Ag का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसके बाद जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर चार है दूसरे तरह के भी यहाँ पे स्टीरियो रसायन प्रदर्शित करते हैं, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर की तरह यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इसमें कॉपर के कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो स्टेबल है वो ज्यादा ज्ञात नहीं है, इनमें सिल्वर और गोल्ड दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिल्वर का फ्लोराइड के साथ है
और गोल्ड का ब्रोमाइड ब्रोमीन के साथ, तो AgF का होल फोर माइनस आयन और AuBr का होल फोर माइनस आयन, यानी आपके इधर तो फ्लोराइड बना रहा है और गोल्ड किसके साथ बना रहा है, ब्रोमाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिनकी संरचना है वही वर्गाकार समतलीय होती है। अब अगला, जिनकी समन्वय संख्या 5 होती है, 5 होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होंगी, त्रिभुज द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, और इसका एग्जाम्पल है कॉपर का Cu बाई पिरामिड का होल ट्वाइस I+ आयन प्रदर्शित करते हैं ये इनकी स्ट्रक्चर, जबकि सिल्वर और गोल्ड इन दोनों में ही इस तरह के स्टेबल कंपाउंड ज्ञात नहीं है जो कि उनकी स्टेबिलिटी हो उन कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें सिर्फ आपके कौन सा, कॉपर ही ये प्रदर्शित करता है जिसकी त्रिभुजीय दो पिरामिडीय संरचना हो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 5 हो। नेक्स्ट, इसमें जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 6 हो, समन्वय संख्या 6 होती है, तो जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है वो क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। इसमें कॉपर में CuF का होल 6 3- आयन यानी फ्लोराइड के साथ बना रहा है यहाँ पे कॉपर, और सिल्वर किसके साथ बना रहा है, ये भी फ्लोराइड के साथ, AgF6 3- आयन। तो इसमें गोल्ड के ज्यादा ज्ञात नहीं, क्योंकि गोल्ड के आपने देखा होगा AuCl4 यानी जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं वो ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, 6 वाले प्रदर्शित नहीं करते। तो इस टेबल से अपने को ये बिल्कुल क्लियर हुआ है कि फर्स्ट वर्ग में, यानी फर्स्ट जो बी वर्ग है, इसमें क्या होता है कि समन्वय संख्या जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कम होती है, उनके कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनते हैं या उनके कंपाउंड ज्यादा ज्ञात हैं। जैसे जैसे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बढ़ती जाती है, इनके कॉम्प्लेक्स यानी AG और AU के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कम बनते हैं, उनकी संख्या बहुत कम ज्ञात है। जैसे इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 2 3 2 3 4 वाले कॉम्प्लेक्स की संख्या ज्यादा है और लगभग दोनों ही, यानी तीनों ही जो इसके कॉइन वर्ग के समूह हैं, कॉपर ग्रुप वर्ग है इसका, कॉपर सिल्वर और गोल्ड तीनों ही बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, जबकि जैसे जैसे आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बढ़ता जाता है तो इनके जो संरचना है वो क्या है, लोअर कॉपर वाले ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, जबकि AG और यानी सिल्वर और गोल्ड इनकी संरचनाएं बहुत कम प्रदर्शित होती हैं। तो हमने इन सभी को लेके फोर्थ विभाग से लेके यहाँ तक इनकी स्टीरियो रसायन देखी थी इनके अलग अलग। तो ओवरऑल इसमें जो हमने निष्कर्ष निकाला वो ये है कि समन्वय संख्या जो 4 5 6 इनकी संख्याएं ज्यादा हैं, यानी जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेके 6 हैं उनके स्टीरियो रसायन की जब बात करते हैं उनके कंपाउंड की संख्या ज्यादा है, जबकि लोअर साइड में देखते हैं या अपर साइड में, यानी 3 या 2 जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो उनके भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कम है, जबकि 6 से अधिक वाले भी कॉम्प्लेक्स कम है जो कि बीच के वर्गों में अपने को देखने को मिले थे। जैसे ऑस्मियम है, प्लेटिनम में 6 वाले ज्यादा मिले थे, ऑस्मियम में आपके 8 तक कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भी कंपाउंड आपको ज्ञात हुए थे। इसके अलावा आपके बी वर्ग में भी आपने देखा होगा कि बी वर्ग में भी जो फिफ्थ बी वर्ग है उसमें भी आपको 7 8 वाले कंपाउंड काफी ज्ञात थे। इसके क्रोमियम में भी आपके मॉलिब्डेनम समूह था या टंगस्टन था, इनके भी क्या थे, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से अधिक थे उनके कंपाउंड भी ज्ञात थे। पर जैसे जैसे आपने वर्ग आगे बढ़ते गए, ये कहाँ तक, ये आपके मैग्नीज ग्रुप में भी आपके देखा होगा, वहां पर भी 6 वाले कंपाउंड जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 हैं उनके कंपाउंड काफी ज्ञात थे। जैसे रीनियम का था, रीनियम लगभग सभी के दिखा रहा था आपको कि 8 तक जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है उनको भी प्रदर्शित कर रहा था। जब उसके बाद जैसे आप एर्थ वर्ग में आए, एर्थ में 2 में बांटा हुआ था, आयरन कोबाल्ट और निकल
वर्ग में बांटा था, इनमें भी आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड ज्यादा ज्ञात थे। एक आयरन में जरूर आपको जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और जो 2-10 फलकीय संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं, वो कंपाउंड बहुत कम थे, वो भी आयरन के थे। जैसे जैसे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती है तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सों की स्टील रसायन भी क्या होती है, चेंज होती है। शायद बड़ी होने की वजह से उनके कॉम्प्लेक्स कम संख्या में ज्ञात हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए जब हम इस पूरी उस टेबलों को डिटेल से स्टडी करते हैं तो यही आता है निष्कर्ष इसका कि 4 से लेकर 6 तक के जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4, 5 और 6 हो, उनके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी संरचनाएं भी आपको प्रकृति में या आप जो ज्ञात हैं आपके कंपाउंड उनकी संख्या ज्यादा मिलेंगी। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऊपर बढ़ेंगे उनकी भी संख्या कम होगी, या 4 से नीचे की तरफ चलोगे आप तो उनकी भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंडों की संख्या कम होती है। इनको त्रिविम समायता में उपसरसी योगों की ज्यामिति तथा प्रकाशिक समायता भी प्रदर्शित करते हैं आपके, ये कि ज्यामिति और ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल समायता भी का दोनों प्रकार की समायता संकुल योगों की आकृति पर निर्भर करती है और इसकी आकृति धातु के जुड़े लिगेंडों की संख्या पर सीधा सीधा निर्भर करती है कि आपके मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं और उनकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर भी आप इनको क्या है समझ सकते हैं। तो उपसरसी संख्या के आधार पर संकुल योगों की त्रिविम समायता को आसानी से समझा जा सकता है। वैसे संकुलों में धातु परमाणु 2 से लेकर 9 तक समन्वय संख्या वाले दर्शाते हैं, यानी 2 से लेकर 9 तक के आपके जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दर्शाते हैं किनके, ट्रांजिशन एलिमेंट में, यानी आपके प्रथम सीरीज, द्वितीय सीरीज, तृतीय या 3D, 4D और 5D की जब आप डिस्कस करते हैं तो इनकी वेरिएशन कहाँ तक है, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है 2 से लेके और जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक के कंपाउंड इनमें प्रदर्शित करते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं। परंतु अधिकांश संकुल योगकों में धातु परमाणु की समन्वय संख्या 4 और 6, यानी जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनके ज्यादा कॉमन है, जिनके बहुत ज्यादा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अपने को ज्ञात हैं। बाकी जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेशन संख्या बढ़ती जाती है या कम होती जाती है उनके कंपाउंडों की संख्या बहुत कम ज्ञात है।